फ्रेंड्स, दिस इज विक्रम चाक्या। हमने पिछले वीडियो में अभी तक दोस्तों मैट्रिक्स चैप्टर जो है वो खत्म कर लिया है और डिटरमिनेंट की जो पहली एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर ली है। आज हम इस वीडियो में जो मैट्रिक्स की दूसरी एक्सरसाइज है उसको करने के लिए हमें जो जो चीजें जरूरत हैं उनके लिए हम बात करेंगे। ऑब्वियसली अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पर बात करेंगे, जो आप देख पा रहे होंगे बुक में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है या उससे आगे की जो एक्सरसाइजें हैं वो मोस्टली प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पर ही बेस्ड हैं कि हम प्रॉपर्टीज का कैसे यूज कर पाते हैं। पहली एक्सरसाइज जो थी वो एक्सपेंशन के ऊपर बेस्ड थी कि हम मैट्रिक्स को सॉरी डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं, चाहे वो टू ऑर्डर का हो या थ्री ऑर्डर का। और अब जो है हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइजें चलेंगे वो प्रॉपर्टीज के ऊपर होंगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज ही जो मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट है इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करती हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अलग तरीके की होती है और मैट्रिक्स की अलग होती है। तो बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो शायद हिंदी मीडियम से हैं तो उन लोगों को प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में। वैसे अगर मेरी ओपिनियन देखें तो मैं मोस्टली हिंदी ही यूज करता हूं, क्योंकि मुझे इंग्लिश ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है, बट मुझे जो कंफर्टेबल जोन है मेरी वो हिंदी है। और आई होप आप लोग भी इस बात से एग्री करेंगे। कुछ टर्म्स हाँ जो है वो इंग्लिश में जरूर रहते हैं, जैसे चैप्टर का नेम हो गया, कुछ हेडिंग्स हो गई, वो तो आगे से मैं ट्राई करूंगा कि मैं हिंदी में उन चीजों को एक्सप्लेन कर दूं। और बेटा जो भी लोग हिंदी मीडियम से हैं ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप इंग्लिश के वीडियोज को नहीं देख सकते हैं या इंग्लिश वीडियोज आप समझ नहीं सकते हैं। ये सिर्फ आपका वहम है जो आपको इस समय पढ़ा रहा है। यानी कि मैं खुद हिंदी मीडियम से ही हूँ और मैंने हिंदी मीडियम से ही पूरी स्कूलिंग 12th तक कंप्लीट की है। और जब तक आप मैं शुरू में हिंदी से बचता रहता था कि हिंदी जो हिंदी से इनफैक्ट इंग्लिश से बचता रहता था कि हिंदी में सारी चीज़ें मुझे मिलें। बट जब आप लोग 12th कर लेंगे और किसी ग्रेजुएट कोर्स में जाएंगे, चाहे वो कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स हो, आपको वहाँ मैथमेटिक्स जो है बेटा वो इंग्लिश में ही मिलेगी। तो आप अभी से आदत डालिए इंग्लिश को कंफर्ट बनाने, इंग्लिश में कंफर्टेबल होने के लिए। और बिलीव मी एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको हिंदी कम इंटरेस्टिंग लगेगी और इंग्लिश ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो इसीलिए वैसे आपकी बुक में जहां पर भी हिंदी वाले भी हैं, जो मेजर टर्म्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं उनका हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों ही वो प्रोवाइड कराते हैं। हिंदी होगा फिर ब्रैकेट में इंग्लिश भी लिखा होगा, तो उसको थोड़ा गो थ्रू होते रहिए तो आपको आगे ग्रेजुएशन में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अदरवाइज फिर वो एकदम से सारा वर्ड इन इंग्लिश में आएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, फर्स्ट ईयर ऐसे ही स्ट्रगल करते करते ही निकल जाती है। तो अभी से हैबिचुअल होइए। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो भी इंग्लिश के टर्म है उसको हिंदी में भी थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूं। जैसे हम चैप्टर इस समय पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट, तो जो हिंदी वाले हैं डिटरमिनेंट जो चैप्टर है वो हिंदी में सारणिक बोलते हैं उसे, और जो हमने प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट किया है मैट्रिक्स उसे हिंदी में आव्यूह बोलते हैं। और अब हम प्रॉपर्टीज यानी कि जो गुण हैं सारणिक के, हम उनकी प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करते हैं। कुछ मेजर जो इंग्लिश के टर्म है जो हम कॉमन यूज करते हैं वो तो हम आराम से समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टीज मीन्स क्या होता है, तो हर एक चीज को क्लियर करने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं। जो मेजर टर्म्स हैं मैं उन्हें क्लियर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करते हैं, जो भी हमारे पास डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक की जो प्रॉपर्टी है हम उन्हें पढ़ते हैं। जैसे पहले प्रॉपर्टी हमें दे रखी है, पहली प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। ध्यान से देखना बेटा, अगर हम यहां देखें द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट यानी कि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है यानी कि साड़ी की जो वैल्यू है वो अनचेंज, मतलब वो बदलती नहीं है अगर इसके रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जाए। रो के बारे में बात करें तो हिंदी में रो को बोलते हैं पंक्ति और कॉलम को स्तंभ, तो ये पंक्ति और स्तंभ हो जाता है हिंदी में, तो आप उसे अच्छे से समझ लीजिए। तो जब भी मैं रो बोलूं तो इसका मतलब वो पंक्ति है, और जब मैं कॉलम बोलूं तो समझ लीजिए कि वो स्तंभ है। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर हम उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, मतलब जो रो है वो कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं आता है। इस बात को कैसे प्रूफ किया गया है, यहां पर भी प्रूफ किया गया है, ये थ्योरेटिकल किया गया है, ये प्रूफ ही है। न्यूमेरिकल आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है एनसीईआरटी में। एक एग्जांपल आपको दिया गया है, एग्जांपल नंबर 6, गौर से देखिए इसको। कहा गया है एक एग्जांपल में उसने कोई भी एक डिटरमिनेंट लेट कर लिया है और लेट करने के बाद उसको एक्सपेंड कर दिया है, मतलब खोल दिया है। अगर इसको खोलेंगे तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में डिटरमिनेंट का खोलना सीखा है कि वही किसी रो या किसी कॉलम के अलोंग खोल सकते हैं, तो उसने फर्स्ट रो के अलोंग, नॉर्मली हम लोग हैबिचुअल होते हैं तो फर्स्ट रो के अलोंग ही खोलते हैं, तो फर्स्ट रो के अलोंग उसने इसे खोल दिया और खोलने के बाद इसकी वैल्यू आ गई -28।
ओपन करना, अगर आपको नहीं आता है तो इससे प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है। अब उसने क्या किया, बाई इंटरचेंजिंग रो और कॉलम, अब उसने रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। एक बार देखो इंटरचेंज कैसे किया, मतलब बदल दिया। अगर आप यहां देखें, ये हमारा पहला कॉलम है 261, 261, इसने क्या किया, हमें क्या करना है, कॉलम को रो बनाना है, तो इसने क्या किया, इस कॉलम को रो कर दिया। सिंपल सी चीज है, जो वर्टिकल है उसे आप होरिजेंटल कर दीजिए, तो 261 इसने होरिजेंटल कर दिया 261। ऐसे जो दूसरा कॉलम है -305, इसे भी होरिजेंटल कर दिया -305, और ऐसे ही तीसरा जो कॉलम है उसे भी होरिजेंटल कर दिया। तो इंटरचेंज का मतलब यही है कि आप कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दीजिए, इसका मतलब जो वर्टिकल है उसे होरिजेंटल बना दीजिए। और फिर उसने इसे एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद इस बार कितना आया -28, और पिछली बार भी कितना आया था -28। यानी कि जब हमने नॉर्मल एक्सपेंशन किया तब भी -28 है, और जब रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद हमने एक्सपेंशन किया तब भी -28 है। इट मींस दोनों की वैल्यू बराबर है। इससे यह बात प्रूव हो जाती है कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को आपस में बदल दें, तो बदलने के बाद भी जो मैट्रिक्स सॉरी जो डिटर्मिनेंट रहता है वो सेम ही रहता है, क्योंकि दोनों की जो वैल्यूज हैं वो दोनों सेम रहेंगी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी यहां पे कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पर। कहा गया है इफ एनी टू रोज और कॉलम, यानी कि कोई भी दो रो या कॉलम, कॉलम पर भी सेम उसी तरीके से अप्लीकेबल होगा, ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, देन साइन ऑफ अ डिटर्मिनेंट चेंज। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स सॉरी किसी भी डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, अभी हमने जस्ट कंप्लीट किया तो बार बार मैट्रिक्स वर्ड यूज हो जा रहा है। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, यानी कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें, मतलब एक रो की जगह दूसरी रो ले आए या एक कॉलम की जगह दूसरा कॉलम ले आए, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। इस बात को भी हम न्यूमेरिकल में अच्छे से समझते हैं कि न्यूमेरिकल इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल हमें जल्दी समझ में आता है। मैंने फिर से वही एग्जाम्पल उठाया जो पहले था, पहले वाले एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल था वही हमने बिल्कुल कॉपी कर लिया है। हमें पता है कि इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू -28 आएगी, क्योंकि हम अभी पिछले एग्जाम्पल में या पिछली प्रॉपर्टी में हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं। ये रहा, आप देख लीजिए, इसकी भी वैल्यू वही है, सेम मैट्रिक्स हमने डिटरमिनेंट हमने उठाया है -28, तो उठा के इसकी वैल्यू -28 आ गई। अब उसने क्या किया, कहा था कि किसी रो किन्हीं दो रो या कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज करने का मतलब हम लोगों ने मैट्रिक्स में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, मैट्रिक्स में जब हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया था तो वहां पर बताया गया था कि आप किन्हीं भी दो और रो किन्हीं भी दो कॉलम को आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे यहां पर देखें, ये ऐसे चेंज किया जाता है, ये सिंबल होता है R2, और फिर ये इंटरचेंज का सिंबल है, यानी कि हम बदल रहे हैं किससे, R3 से, मतलब R2 की जगह R3 जाएगा और R3 की जगह R2। तो हमारा ये था डिटर्मिनेंट। इसमें R2 की बात करें तो ये थी बीच वाली, यानी कि 604, और R3 15-7। इसे इंटरचेंज करोगे तो ये ऊपर जाएगी और ये नीचे आएगी, तो देख लीजिए यही 15-7 यहां पहुंच गई और 604 नीचे आ गई। अब जब चेंज हमने कर दिया है एक रो को, अब इसे दोबारा एक्सपेंड करते हैं। अब दोबारा एक्सपेंड किया तो वैल्यू कितनी आई, 28, जबकि पहले कितनी थी, -28। इससे यह बात क्लियर हो जाती है कि जब आप किसी रो को इंटरचेंज करते हैं, कि नहीं दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो जो सिंबल है, यानी कि जो आपका जो पॉजिटिव होगा अगर आंसर पहले वाला, तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि एक एक्स्ट्रा माइनस लगना है। यही बात कॉलम पर भी लागू हो सकती है, जैसे यहां पर इन्होंने दो रो चेंज की हैं, आप चाहें तो कोई दो कॉलम चेंज कर लीजिए, कॉलम चेंज करने पर भी यही होगा कि आपका एक एक्स्ट्रा माइनस जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये होती है दूसरी प्रॉपर्टी, बाय एग्जांपल एंड बाय थ्योरेटिकल बोथ। अब चलते हैं हम अपनी तीसरी प्रॉपर्टी पर। तीसरी प्रॉपर्टी हमसे कही गई है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, यानी कि फिर से बात वही है, रो पर जैसे काम करेगी वैसे ही कॉलम पर भी काम करेगी, ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा होना, बिल्कुल एक जैसा। इसका मतलब यह है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। सिंपल अगर मैं समझाऊं तो सीधी सी बात यह है कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट आपको दे रखा है उसकी दो रो और दो कॉलम एक जैसे हो जाते हैं, या तो दो रो एक जैसी हो जाए या दो कॉलम एक जैसे बिल्कुल सेम, तो समझ लीजिए कि उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। जैसे अगर आप यहां एक एग्जांपल के तौर पे देखना चाहें, ये हमें एक एग्जांपल दिया गया, यहां पर अगर आप देखो पहली रो यानी कि पहली पंक्ति अगर आप देखेंगे तो वो है 3 2 3, और थर्ड जो रो है वो है 3 2 3। जो पहली और थर्ड यानी कि पहली और तीसरी जो रो है वो तीनों की तीनों दोनों की दोनों सॉरी सेम है, तो 3 2 3 एंड 3 2 3। अगर दो रो सेम हो जाती हैं, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम अगर सेम हो जाते हैं किसी डिटरमिनेंट के, तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। आप इसे एक्सपेंड करके देख लीजिए, उसने एक्सपेंड करके दिखाया है और वैल्यू कितनी आई है, जीरो।
आगे कभी भी अगर ये क्वेश्चन में आ जाता है ऐसा कोई डिटरमिनेंट जिसकी दो रो या दो कॉलम सेम होंगे, तो हम उसे डायरेक्ट वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, हमें ये एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि हमने ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी है। हम लिख देंगे बाय द प्रॉपर्टी वी नो दैट इफ टू रो एंड टू कॉलम्स आर सेम देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज जीरो, तो हम उस डिटरमिनेंट की वैल्यू को हम क्या कर पाएंगे, जीरो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई तीसरी, बहुत आसान है कि दो रो और दो कॉलम अगर सेम हो जाते हैं, चाहे तो दो रो या दो कॉलम, तो उस केस में वैल्यू जीरो हो जाएगी। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर फोर। प्रॉपर्टी नंबर फोर पे अगर हम बात करें, काफी अच्छी प्रॉपर्टी है, इसे समझते अच्छे से हैं। कहा गया है इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, यानी कि फिर से वही बात, जो बात रो पे होगी वही कॉलम पे, ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई अ कॉन्स्टेंट देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई के। इसको थोड़ा मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। इस कंडीशन को देखिए, जो यहां पर एक कंडीशन लिखी है आपकी बुक में ही, यहां पर क्या किया गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहां पर क्या किया गया है, अगर मैं इधर से, मतलब लिखा इस साइड से है, मैं इधर से अगर पढ़ूं, दोनों आपस में इक्वली हैं, यहां पर क्या किया गया है, ये एक डिटर्मिनेंट है ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू और ए थ्री बी थ्री सी थ्री, इसमें किसी कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई की गई, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू है वो ये है कि जिसको पहली रो है इस डिटर्मिनेंट की, उसमें के की मल्टीप्लाई हो गई है। याद करिए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में क्या होता था कि अगर मैट्रिक्स ये होता और बाहर किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होती, यानी कि जब हमने मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा था, आव्यूह चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें ये बताया गया था कि जब किसी आव्यूह में, यानी कि मैट्रिक्स में, आप किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो मल्टीप्लाई उसके सारे एलिमेंटों में होती है, जितने भी एलिमेंट है उसके अंदर, सभी में। जबकि अगर आप डिटरमिनेंट में देखें, यहां कांस्टेंट की मल्टीप्लाई की गई है लेकिन वो डिटरमिनेंट के एक रो में मल्टीप्लाई हुई है, किसमें, पहली रो में। क्लियर है? अब स्टूडेंटों के दिमाग में ये आ सकता है कि क्या सर पहली ही रो में हमेशा मल्टीप्लाई होगी, दूसरी या तीसरी रो में नहीं कर सकते? आप किसी भी एक रो में कर सकते हैं, चाहे तो पहली रो में कर लीजिए, चाहे तो दूसरी रो में, और चाहे तो तीसरी रो में, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, आप जिस रो में मल्टीप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन राइज होता है कि क्या रो में ही मल्टीप्लाई हो सकती है, कॉलम में नहीं हो सकती? कॉलम में भी हो सकती है और किसी भी कॉलम में हो सकती है। यानी कि अगर मैं पूरा कंक्लूजन देखूं तो यह है कि अगर किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होगी तो आप उसे या तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी एक कॉलम में, पूरे एलिमेंटों में आप उसकी मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं अगर वो डिटर्मिनेंट है तो। लेकिन अगर मैट्रिक्स होगा तो आप उसके सारे एलिमेंटों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमने एस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन मैट्रिक्स में किए थे। ठीक है, इसी का वाइस वर्सा अगर हम इसी को उल्टे, अब जो अब उस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से लिखा हुआ है, उस तरीके से क्या है कि यहां पर एक रो में के जो था वो तीनों में कॉमन था। अगर तीनों में कॉमन है तो आपने क्या किया, उसको बाहर निकाल लिया और वैल्यू वैसे ही छोड़ दी। क्लियर है? मैट्रिक्स में क्या होता था, मैट्रिक्स में अगर आपको किसी एलिमेंट को कॉमन लेना है तो वो उसके सारे एलिमेंटों में कॉमन होना चाहिए। जबकि यहां पर क्या है, यहां पर कॉमन अगर आपको लेना है तो अगर वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन मिल जाता है तो आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। पूरे एलिमेंटों में कॉमन होना ये जरूरी नहीं है, केवल एक रो या किसी एक कॉलम में कॉमन मिल जाए। जैसे इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं इस एग्जाम्पल के थ्रू। इस एग्जाम्पल में आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया, पहली रो को उसने प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया, जैसे 102 किसका प्रोडक्ट होता है, 6 इंटू 17, यानी कि हम 6 और 17 का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको 102 मिल जाएगा। ऐसे जो 18 है, 18 को हम कैसे करेंगे, 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 मिल जाएगा, और ऐसे ही 36 को हम करेंगे 6 इंटू 6। तो बस वही चीज को प्रोडक्ट में उसने लिख दिया। अब आप देखो पहली रो, पहली रो में हर जगह 666 तीनों जगह है, तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं क्योंकि मैंने बताया है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कोई चीज कॉमन है तो आप उसे बाहर ले सकते हो। तो क्या किया गया, 6 को बाहर ले लिया गया और फिर उसके बाद जो 17, 3 और 6 बचा था वो लिख दिया। फिर वही प्रॉपर्टी लगा दी कि इसकी दो रो जो है वो सेम हो गई, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो, 17, 3, 6 एंड 17, 3, 6। और हमने एक प्रॉपर्टी अभी पढ़ी है कि कोई भी दो रो सेम हो जाएंगी तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो आंसर जीरो निकाल दिया। तो प्रॉपर्टी जो थी, ये प्रॉपर्टी थी, यहां पर यही समझाया गया कि अगर आप किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है प्रॉपर्टी नंबर 5। ये भी काफी अच्छी प्रॉपर्टी है,
इसे पढ़ने से अच्छा है आप इसको अच्छे से समझिए, आपको समझ आ जाएगी। ये लैंग्वेज आपको पढ़नी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी कभी लिखने को नहीं आएगी, अप्लाई करने को आएगी। तो आप अप्लाई करना सीखे कि कैसे अप्लाई होता है। ये रहा आपका डिटरमिनेंट। यहां पर देखिए पहली रो, पहली रो में दो दो टर्म्स दिए गए हैं ऐड करके, इसे कैसे आप ब्रेक कर सकते हो, देखो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ब्रेक करने के लिए इसका पहला एलिमेंट उठाया ए वन, इसका पहला ए टू, इसका पहला ए थ्री उठा लिया। बाकी नीचे की जो दो रो हैं वो वैसी की वैसी ही रखी, और जो एक एक एलिमेंट से उठा के हमने ऊपर की एक रो बना दी, मतलब ए वन ए टू ए थ्री, और बाकी दो रो ऐसे ही। फिर इनके बीच में प्लस का सिंबल है तो प्लस लगाया, और फिर इसके दूसरे दूसरे एलिमेंट उठा लिए, लेमडा वन लेमडा टू और लेमडा थ्री, ये एक रो बना दी, और नीचे की दो रो वैसी की वैसी ही। आई होप समझ आ गया होगा, बहुत ईजी है। तो अगर किसी भी रो सेम ऐसे ही अगर कॉलम में भी ऐसा होता कि प्लस 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 लगा होता, तो हम एक एक एलिमेंट को पहले उठा लेते और फिर दूसरे दूसरे एलिमेंट को बाद में उठा लेते, बाकी दोनों कॉलम्स को वैसा ही लिख देते जैसा लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर यहां पे बीच में माइनस 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 होता तीनों में, यहां माइनस यहां माइनस यहां माइनस, तो जहां पर ये बीच में प्लस का सिंबल आया है वहां पे माइनस का सिंबल आ जाता, बस। तो प्लस पे भी लागू हो जाती है और माइनस पर भी लागू हो जाती है। तो बहुत सिंपल है, इसे हम आराम से ब्रेक करना सीख लेंगे। और अब बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स। प्रॉपर्टी नंबर सिक्स में ये जो ऑपरेशन, अगर आपने वो वीडियो देखा हो मैट्रिक्स वाला जिसमें हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में जब मैंने आपको बताया था तो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हम करते थे कि R1 tends to R1 plus R2 या R1 tends to R1 plus 2 R1 C1 पर भी हम लगा सकते थे या C पर भी लगा सकते थे, सेम वही चीजें यहां समझाई गई हैं। हम अपनी क्वेश्चन में वही एलिमेंट्री वाला ध्यान में रखिए, बस समझ आ जाएगा। एक अंतर है इसका और एलिमेंट्री में, वो अंतर यह है कि मैंने आपको याद हो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से किसी क्वेश्चन को करते हैं तो आपके पास स्टार्टिंग करने के दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप ई रो यानी कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ई कॉलम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ई रो अगर आप अप्लाई करेंगे तो फिर आप सारे ऑपरेशन रो के लगाएंगे, और अगर आप ई कॉलम अप्लाई करेंगे तो सारे के सारे ऑपरेशंस कॉलम के लगाएंगे। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आप एक ही क्वेश्चन में रो का भी लगा सकते हैं ऑपरेशन और कॉलम का भी, वहां ऐसा नहीं था। वहां एक क्वेश्चन में आपके पास एक ही ऑप्शन था, या तो आप रो लगाइए या फिर आप कॉलम। अगर आपने कॉलम लगाया है तो आप रो नहीं लगा सकते, और अगर आपने रो लगाया है तो आप कॉलम नहीं लगा सकते। लेकिन यहां पर आप रो भी सिंगल क्वेश्चन में ही लगा सकते हैं और कॉलम भी उसी क्वेश्चन में लगा सकते हैं, मतलब दोनों के ऑपरेशन एट ए टाइम आप यूज कर सकते हैं। इसीलिए ये है आपका ये वाला मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स था और ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। तो यहां पर हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो आप लगाना, और ऑब्वियसली आपने वहां भी क्वेश्चन किए हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, तो वहां से आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हुई हमारी छह प्रॉपर्टीज, इन्हीं छह प्रॉपर्टीज पर बेस्ड आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। एक प्रॉपर्टी में हल्की यहां शायद स्किप कर दी गई है, लेकिन वो एक स्पेशल फॉर्म ही है। मैं समझा दूं, अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई एक टोटल रो और कोई एक टोटल कॉलम अगर जीरो हो जाता है तो भी उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो जैसे अगर हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट है, मैं एक डिटरमिनेंट यहां कॉपी पे लिख रहा हूं, अगर हमारे पास कोई भी एक डिटरमिनेंट है, सपोज ये हमने एक डिटरमिनेंट बनाया, अगर इसकी कोई एक रो जीरो है, सपोज ये जीरो है पहली रो, बाकी यहां पर कुछ भी एलिमेंट हो 1 2 3 4 5 6 कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसकी एक रो अगर जीरो हो जाएगी तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट आप कितना कह देंगे, जीरो, ठीक है। और सेम ऐसे ही अगर आप किसी डिटरमिनेंट का एक कॉलम जीरो कर देते हैं, चाहे वो कोई सा भी हो, पहला हो दूसरा हो या तीसरा हो, सपोज मैंने दूसरा कॉलम जीरो कर दिया, बाकी कुछ भी लिख दिया, वही 1 2 3 कुछ भी 4 5 6 जो आपका मन करे, तो इस डिटरमिनेंट की भी वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, हम अंडरस्टूड कर सकते हैं, यहां पर उस पर मेंशन नहीं किया गया है बट आप समझ सकते हैं। तो ये एक और प्रॉपर्टी समझ लीजिए कि अगर किसी डिटरमिनेंट की टोटल रो और टोटल कॉलम अगर जीरो हो जाएगा तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ये हमारी छह प्रॉपर्टीज, अब इनको थोड़ा अप्लाई करने के बारे में सोचते हैं कि हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.2 हमें दे रखी है एक एक्सरसाइज, और इसमें एक से लेके पांच तक के जो क्वेश्चंस हैं, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1-5 प्रूव दैट, आपको एक से लेके पांच तक के जो क्वेश्चन है उसमें प्रॉपर आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी है, और लिखा है विदाउट एक्सपेंडिंग, आप उसे एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, मतलब खोल नहीं सकते हैं।
यानी कि जो हमने, आप याद करिए, जो पहली एक्सरसाइज हमने की है उसमें क्या करते थे हम, हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट होता था तो हम उसे एक्सपेंड कर देते थे अलॉन्ग एनी रो और अलॉन्ग एनी कॉलम, हम किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में या किसी भी रो के रिस्पेक्ट में उसे खोल देते थे। लेकिन यहां पर उसने मना कर रखा है कि आप इसे ओपन नहीं कर सकते हैं, खोल नहीं सकते। अगर खोल नहीं सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपको जो कुछ भी प्रूव करना है वो प्रॉपर यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटरमिनेंट, आप डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज करके ही उसे प्रूव करेंगे। आइए देखें कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने करा देता हूं कि कैसे कैसे कंप्लीट होगा। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें दिया गया है कि इसे जीरो के इक्वल प्रूव करना है और प्रॉपर यूजिंग द प्रॉपर्टी। तो देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे जीरो के इक्वल। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया था। मैंने उसकी एलएचएस ले ली, टेकिंग एलएचएस, एक डिटरमिनेंट जो है इसे जीरो के इक्वल प्रूव करना है और वो भी बाय अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज। अगर आप देखें तो इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी एक कॉलम में या किसी एक रो में प्लस का सिंबल आ जाता है या माइनस का सिंबल, मैंने दोनों के लिए ही आपको समझाया था, तो आप उसे कैसे अलग अलग करते हैं, सेपरेट कैसे करते हैं। तो क्या करिए, पहला कॉलम ऐसे लिख दीजिए, दूसरा कॉलम ऐसे लिख दीजिए और तीसरे कॉलम में जहां पर ये प्लस लगा है उसका पहला पहला एलिमेंट लिख लीजिए, तो एक्स वाई जेड। फिर बीच में अगर प्लस का सिंबल है तो प्लस का लगाइए, और अगर यहां पे माइनस का सिंबल होता तो हम यहां माइनस का सिंबल लगाते। तो हमने क्या किया, प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल लगा दिया। अब क्या किया, फिर से वही दो कॉलम फिर से कॉपी कर लिए और अब इसका जो दूसरा दूसरा एलिमेंट था यानी कि ए बी और सी, ये ए बी सी फिर लिख दिया। अब यहां पर देखिए इस डिटरमिनेंट के दो कॉलम एक्स वाई जेड जो कि पहला है और एक्स वाई जेड तीसरा, ये पहला और तीसरा कॉलम बिल्कुल सेम है क्योंकि ये भी एक्स वाई जेड है और ये भी एक्स वाई जेड है। हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी डिटरमिनेंट के दो कॉलम या दो रो भी होंगी, दोनों सेम हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो देख लीजिए डायरेक्ट प्रॉपर्टी, कहीं पर कोई एक्सपेंशन नहीं किया है हमने, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से कितना कर दिया, जीरो। ऐसे ही नेक्स्ट भी देख लीजिए, आपको दिख ही रहा होगा, मुझे अब समझाने की जरूरत नहीं। इसमें देख लीजिए दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, ए बी सी एंड ए बी सी बोथ आर सेम, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ दिस इज ऑल्सो जीरो, और अगर ये भी जीरो हो गया तो टोटल आंसर भी जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, आपकी बुक में लिखा हुआ है इसे भी जीरो के इक्वल प्रूव करना है और ऑब्वियसली हमें फिर से प्रॉपर्टी ही लगानी है। तो अगर आप इसे देखिए, ये भी जीरो मैंने साफ साफ किया है, वही लास्ट प्रॉपर्टी लगाई है ऑपरेशंस वाली, अप्लाइंग आर वन टेंस टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ऐसे ही हमने मैट्रिक्स में भी कराया था जब एलिमेंट्री कराया था। अब मैंने यही ऑपरेशन क्यों लगाया, क्योंकि मुझे इसे जीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो या तो दो रो सेम बनाऊं या दो कॉलम, या फिर कोई एक टोटल रो जीरो बना दूं या कोई एक टोटल कॉलम जीरो बना दूं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसके ये सारे एलिमेंट जोड़ लूं, जोड़ने से क्या होगा या ऐड करने से क्या होगा, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी से प्लस सी और माइनस ए से प्लस ए, जीरो। ऐसे यहां पर भी आप देख लीजिए सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये भी जीरो, और यहां पर भी सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये भी जीरो। चेंज आर वन में किया है तो इसीलिए आर टू और आर थ्री एज इट इज लिखी रहेंगी, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब आप इस डिटरमिनेंट को देखिए, इसकी पहली रो टोटल जीरो हो गई है, और अगर पहली रो टोटल जीरो हो गई है तो बाय द प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू टोटल कितनी होगी, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड में भी आपको एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और इसकी वैल्यू भी आपको जीरो प्रूव करनी है, आपकी बुक में क्वेश्चन है, आप उसे मैच करते रहिए। थर्ड जो है इसकी भी वैल्यू आपको जीरो प्रूव करनी है और ऑब्वियसली फिर हम प्रॉपर्टी का कोई यूज करेंगे, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक ऑपरेशन लगाया, सी थ्री टेंस टू सी थ्री माइनस सी वन, सी थ्री टेंस टू सी थ्री माइनस सी वन। सी थ्री में हमें चेंज करना है क्योंकि यहां पे जो होता है उसमें चेंज होता है, बार बार बता चुका हूं। सी थ्री में चेंज करना है तो सी वन और सी टू ऐसे लिख दो, तो टू थ्री फाइव ऐसे लिख दिया, सेवन एट नाइन ऐसे लिख दिया। अब सी थ्री में जो चेंज करना है वो ऐसे करना है कि सी थ्री को सी वन से घटाना है, तो सी थ्री है 65, सी वन है 2, 65 माइनस 2 63, 75 माइनस 3 72, 86 माइनस 5 81। ओके, अब जो आपका थर्ड कॉलम है क्या इससे कुछ कॉमन है, मैंने बताया था कि कॉमन लेने के लिए यह जरूरी नहीं कि वो डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंटों में कॉमन हो, वो अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कॉमन मिल जाता है तो आप उसे बाहर कर सकते हो। जैसे मैंने 9 बाहर कर रखा है, क्यों, क्योंकि 9 मुझे थर्ड कॉलम से कॉमन मिल गया है, क्योंकि 9 63 से भी कॉमन आ जाएगा, 63 से कॉमन लेंगे तो 7 आ जाएगा क्योंकि 7 9 जार 63 होता है। ऐसे ही 72 से भी कॉमन आ जाएगा, 72 से अगर हम 9 कॉमन लेंगे तो 8, और ऐसे ही 81 से अगर 9 कॉमन लेंगे तो 9। तो हमने 9 बाहर कर लिया। जब 9 आपने कॉमन ले लिया तो आप देख लीजिए इसकी दो कॉलम सेम बन गए हैं, एक कॉलम सेकेंड और एक कॉलम थर्ड, सेकेंड है 789 और थर्ड भी है 789,
और फिर से वही प्रॉपर्टी कि अगर किसी डिटरमिनेंट के दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, और अगर इसकी वैल्यू जीरो हो गई, नाइन अगर बाहर है भी तो भी मल्टीप्लाई करके वो जीरो ही हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको एक क्वेश्चन दिया है और उसे भी आपको जीरो के इक्वल ही प्रूव करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, तीन ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट दे दिया गया और हमसे कहा गया कि इसे आप जीरो के इक्वल प्रूव करिए बाय अप्लाइंग द प्रॉपर्टी। आपके पास प्रॉपर्टी मैंने सबसे पहले लगाई वही ऑपरेशन वाली, सी थ्री टेंस टू सी थ्री प्लस सी टू, सी थ्री टेंस टू सी थ्री प्लस सी टू। तो सी थ्री में चेंज करना है, इसका मतलब सी वन एज इट इज और सी टू एज इट इज, पहला कॉलम वैसा ही और दूसरा कॉलम भी वैसा ही। तीसरे में जो चेंज करना है वो कुछ इस तरीके का है कि सी थ्री और सी टू दोनों को एड करना है। ये रहा सी थ्री और ये रहा सी टू, दोनों को एड कर लो। एड करते टाइम मैंने बस इस ब्रैकेट की और अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो यहां हो जाएगा ए बी प्लस ए सी और इसमें एड हो जाएगा बी सी, ऐसे ही बी सी प्लस ए बी और इसमें एड हो जाएगा सी ए, ऐसे ही सी ए प्लस सी बी और इसमें एड हो जाएगा ए बी। अब आप देखो अपना तीसरा कॉलम, तीसरे कॉलम में तीनों जगह वही लिखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बस ऑर्डर थोड़ा चेंज है, ए बी को कहीं बी ए कर दिया है, सी ए को कहीं ए सी कर दिया है, बात वही है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तीनों में यही है। और अगर किसी एक कॉलम से कुछ कॉमन आ जाता है तो आप उसे बाहर कर सकते हैं, तो मैंने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाहर कर लिया, तो यहां से कितना बचेगा वन वन वन। और फिर से आप देखिए दो कॉलम आपके सेम बन चुके हैं, पहला और तीसरा, और अगर दो कॉलम सेम है तो वैल्यू जीरो और आंसर भी जीरो। ठीक, तो ये हुआ हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है उस केस में जिसमें हमें प्रॉपर्टी लगा के प्रूव करना है, उस केस में फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ थोड़ा सा लेंदी है बाकियों के कंपैरिजन में, क्योंकि बाकी क्वेश्चन एक ही ऑपरेशन लगा के कंप्लीट हो गए, लेकिन यहां पे थोड़ा ज्यादा ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे क्योंकि इस बार प्रूविंग भी जीरो के इक्वल नहीं है। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए ऊपर के चारों क्वेश्चन, वो सारे के सारे जीरो के इक्वल ही प्रूव कराए गए थे, लेकिन ये जो है ये जीरो के इक्वल प्रूव नहीं कराया गया है, इसमें कुछ और प्रूविंग है। तो देखते हैं कि हम इस एलएचएस को लेके ये आरएचएस कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमें एक टू चाहिए बाहर और फिर ये टर्म चाहिए जो हमारे सामने है। प्रूविंग बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि प्रूविंग देख के ही हमें ये पता लगता है कि हमें कौन से ऑपरेशन से स्टार्ट करना है। सबसे पहले मुझे टू चाहिए, टू बाहर आना चाहिए, क्योंकि यहां तो कहीं टू मुझे दिख नहीं रहा, तो इससे मैं टू कैसे बनाऊंगा वो देखो। ये रहा हमारा वही क्वेश्चन, मैंने सबसे पहले ऑपरेशन लगाया आर वन टेंस टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। मैंने यही क्यों लगाया, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं तीनों रो को जोड़ूंगा तो सी और सी टू सी, ए और ए टू ए, बी और बी टू बी, ऐसे ही आर और आर टू आर, पी और पी टू पी, और क्यू और क्यू टू क्यू, ऐसे ही एक्स वाई जेड भी सारे डबल हो जाएंगे। डबल हो जाएंगे तो मैंने टू कॉमन लेके यहां पर वही ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया, यहां पर भी पी प्लस क्यू प्लस आर लिख दिया और यहां पर भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया। तो मुझे पता था जब मैं तीनों को जोड़ूंगा तो हर टर्म डबल हो जाएगा, और जब डबल हो जाएगा तो मैं टू कॉमन ले लूंगा और फिर टू मुझे पहली रो से कॉमन मिल जाएगा, और जब पहली रो से कॉमन मिल जाएगा तो हम उसे बाहर कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन किसी भी एक रो से मिल सकता है। तो कॉमन करके हमने इसे बाहर कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख लीजिए, मैंने वही काम किया है कि टू को कॉमन लेके बाहर कर दिया और बाकी जो ए प्लस बी प्लस सी और पी प्लस क्यू प्लस आर और एक्स प्लस वाई प्लस जेड है वो वैसे के वैसे ही छोड़ दिए, और नीचे की दोनों रो वैसी ही वैसी। तो एक चीज तो हमें मिल गई कि हमें टू बाहर मिल गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे मैंने एक ऑपरेशन लगाया आर वन टेंस टू आर वन माइनस आर टू, आर वन में से आर टू को घटा लिया और आर वन टेंस टू मतलब आर वन की जगह हम लिखेंगे, तो आर वन टेंस टू आर वन माइनस आर टू। ऐसा ही मैंने क्यों किया, एक बार ऑपरेशन लगा के देख लो, फिर मैं प्रूविंग आपको दिखाता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। जब मैं इसे इसे घटाऊंगा तो सी और ए दोनों कट जाएंगे, सी और ए कट जाएंगे बचेगा बी, आर और पी कट जाएंगे बचेगा क्यू, जेड और एक्स कट जाएंगे बचेगा वाई, यानी कि एक रो हमें मिल जाएगी बी क्यू वाई। क्या ये प्रूविंग में है, ये रहा हमारा प्रूफ। देखिए इसकी सेकेंड रो बी क्यू वाई सेम है। हाँ, वो बात अलग है कि यहां पर सेकेंड प्लेस पर है, यहां पर हमारी फर्स्ट प्लेस पर है, उसे हम बाद में इंटरचेंज कर लेंगे, पहले एलिमेंट तो सेम बना दें। तो एलिमेंट हमारा सेम बन गया बी क्यू वाई। अब मैंने एक और ऑपरेशन लगाया आर थ्री टेंस टू आर थ्री माइनस आर वन। ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मुझे एक और रो बनानी है आर थ्री माइनस आर वन। आर थ्री में से आर वन सब्ट्रैक्ट किया, आर थ्री में से आर वन अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी से बी कट जाएगा बचेगा ए, क्यू से क्यू कट जाएगा बचेगा पी, वाई से वाई कट जाएगा बचेगा एक्स। तो हमें एक और रो मिल गई ए पी एक्स। क्या ये हमारे प्रूविंग में है, बिल्कुल है ए पी एक्स फर्स्ट
जो रो है वो हमारी वही है एपीएक्स। तो हमें दो रो मिल गई, एक तो बी क्यू वाई मिल गई और एक एपीएक्स मिल गई। अब हमें चाहिए सी आर जेड। सी आर जेड कैसे मिलेगी जो बाकी क्वेश्चन बचा है? तो आप देखो यहां से सी चाहिए, यहां से आर चाहिए, यहां से जेड, मतलब ए पी और एक्स घटाना है। तो आप देखो इसको अगर हम इससे सबट्रैक्ट कर दें तो ए से ए कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा और एक्स से एक्स कट जाएगा। वही मैंने किया है, आर टू टेंस टू आर टू माइनस आर थ्री, आर टू में से आर थ्री सबट्रैक्ट कर दी, तो वही हुआ ए से ए, पी से पी, एक्स से एक्स कट गया। तो हमारे पास तीनों रो मिल गई हैं जो हमें प्रूव करनी है। पी बी वाई भी मिल गया, पी क्यू वाई भी मिल गया, हाँ सॉरी बी क्यू वाई भी मिल गया, सी आर जेड भी मिल गया और ए पी एक्स भी मिल गया। अब इनके प्लेसेस जो हैं वो हमें इंटरचेंज करने हैं। प्लेसेस क्या है कि हमें पहले कॉलम में ए बी सी चाहिए, तो ए वाली रो पहले आनी चाहिए, बी वाली रो सेकेंड पे और सी वाली रो थर्ड पे। अभी ऑर्डर चेंज है, ए वाली सबसे नीचे है, बी वाली सबसे ऊपर है और सी वाली बीच में है। हमें उठा के इन्हें इंटरचेंज करना है। तो ए मुझे सबसे ऊपर ले जाना है, ऑब्वियसली जब मैं ए ऊपर लेके जाऊंगा तो बी ए की जगह पे आ जाएगा। तो वही पहला ऑपरेशन तो ये लग जाएगा, अप्लाइंग आर वन इंटरचेंज बाई आर थ्री, यानी कि आर वन को हमने आर थ्री से चेंज किया है, तो आर थ्री को हम ले गए आर वन की जगह। तो ये पूरा ए पी एक्स और पूरा चला जाएगा ऊपर और बी क्यू वाई आ जाएगा नीचे। तो देख लीजिए ए पी एक्स और बी क्यू वाई। ऐसा करने से आपने पढ़ा था प्रॉपर्टी में, जब हम ऐसा करते हैं कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है। तो बाहर देख लिया मैंने माइनस लगा दिया क्योंकि पहले बाहर प्लस था, अब माइनस आ गया, एक ऑपरेशन कर लिया। अभी भी ये एक्यूरेट प्रूव नहीं है क्योंकि प्रूविंग में ए बी सी चाहिए, यहां पर है ए सी बी, तो इसका मतलब है बी को बीच में लाना है और सी को नीचे। तो एक और ऑपरेशन हमें अप्लाई करना है कि आर टू और आर थ्री जो है इनको इंटरचेंज करना है। तो अप्लाइंग आर टू इंटरचेंज बाई आर थ्री, तो आर टू और आर थ्री को इंटरचेंज कर लिया, तो अब बी वाली रो ऊपर पहुंचा दी और सी वाली नीचे। तो एक और माइनस आएगा और उस माइनस से ये माइनस कट के प्लस हो जाएगा और अब आप देख लीजिए आपका पूरा प्रूफ। हाँ एक कमी यहां से ऊपर से हटती चली आ रही है, ये जो टू कॉमन था हमारा, ये टू हम स्किप कर गए, तो इस टू को यहां पर और ऐड करते रहते हैं, तो ये टू और यहां पर भी एक टू आ जाएगा और वो माइनस माइनस प्लस होके देख लीजिए आपका एक्यूरेट प्रूफ जो आपको प्रूव करना था, प्रूफ था वही टू ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड, और बाहर तो टू है ही प्लस का। तो ये हमारा प्रूफ था, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा जरूर था बट अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट वाइज तो जितने भी हमने ऑपरेशन यहां लगाए वो सारे के सारे प्री डिटर्मिनेंट थे कि हम पहले ही उन्हें सोच चुके थे कि हमें क्या करना है, क्योंकि प्रूविंग हम देख रहे थे। प्रूविंग क्वेश्चन में प्रूविंग की तरफ देखना बड़ा जरूरी होता है क्योंकि कभी कभी हम क्वेश्चन सॉल्व सही कर रहे हैं लेकिन वो फॉर्म नहीं बन पा रही है जो फॉर्म हमें प्रूव कराई गई है। तो प्रूविंग की कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं और कुछ मेरिट्स भी हैं। मेरिट्स की बात करें ये है कि प्रूविंग में आपको पता होता है कि आंसर लाना क्या है, तो जब तक वो आंसर नहीं आता है तब तक आपको पता है कि आपने कहीं कुछ गलत कर रखा है। और अगर वैसा क्वेश्चन हो तो आपको उसका आंसर नहीं पता होता ना विदाउट प्रूविंग का, हो तो आप कुछ भी निकाल आते हो फिर बाद में जब घर सॉल्व करते हो तो उसका आंसर कुछ और आता है। तो प्रूविंग का ये एक फायदा है कि आपको आंसर पता है कि सामने वो लिखा है, अगर आपका आंसर वही आ जाता है तो आप श्योर हो जाते हो कि हाँ आपने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया है। घाटा ये है कि उसमें जो फॉर्म्स आपको दे रखी होती हैं वो फॉर्म्स बनाना जरूरी होता है। कभी कभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लेकिन वो फॉर्म नहीं बना पाते हैं या बनाने में प्रॉब्लम आती है जो डिटर्मिनेंट जो सॉरी प्रूविंग में कराई गई है, तो उस केस में वो थोड़ा सा हमें मेरिट डीमेरिट में ले जाता है उन चीजों को कि हम डीमेरिट में चले जाते हैं। लेकिन ओवरऑल देखें तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन मेरिट में ही रहता हूं मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे पता होता है कि करना क्या है। फॉर्म ज्यादातर तो हम जैसी नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे ही बन जाती हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है फॉर्म को बनाने के लिए, वरना 90% क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली जैसे आप सॉल्व करते हैं उस हिसाब से वही चीज बनती है जो प्रूव कराई गई है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 10% क्वेश्चन में जिनमें फॉर्म बनाने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी होती है। तो आज हम इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस ही रखते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो इसके बाकी क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो दो पार्ट्स तो हमें वैसे भी बनाने पड़ेंगे वीडियो के, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इसके नेक्स्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इसे यहीं रखते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करिए उन लोगों के तक जो जिन्हें इनकी जरूरत है। तो हम इसी तरीके से अपना पूरा जो सिलेबस है, लॉकडाउन की वजह से हमारे स्कूल में भी कोई क्लासेस अभी नहीं चल पा रही हैं तो हम स्कूल में भी नहीं जा पा रहे हैं, तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम था तो मैंने उसको बनाया है। तो जो लोग इससे ज़्यादा बेनिफिट ले पाए तो उसे लें। ये सिर्फ और सिर्फ चैनल जो है वो बच्चों की पढ़ाई के लिए ही है कि वो कितना पढ़ सकते हैं, इसका कोई भी बिजनेस पर्पज से ये चैनल नहीं बनाया गया है। और हो सकता है कि जब स्कूल खुलेगा तो फिर उतना कंटेंट ना आ पाए जितना अभी आ पा रहा है, क्योंकि फिर मुझे स्कूल भी कंप्लीट करना होगा फिर उसके बाद भी, बट रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। ये
प्रॉमिस है कि हम वीडियोस देते रहेंगे। अगर हमारा एकेडमिक खत्म हो जाएगा तो मैं कॉम्पिटिटिव की तरफ चला जाऊंगा, कॉम्पिटिटिव के वीडियोस आपको देता रहूंगा, क्योंकि आजकल जर्नल कॉम्पिटिशन्स बहुत है। मैंने भी कॉम्पिटिशन्स की बहुत तैयारी की है, तो मुझे भी वो पढ़ाना थोड़ा अच्छा लगता है, कि मेरी भी एक प्रैक्टिस होती रहती है कि अगर हम यहाँ एकेडमिक में पढ़ाते रहते हैं तो कंपटीशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहीं ना कहीं डल होता रहता है। तो वो एक मेरे फायदे की भी चीज़ है कि मैं आप लोगों को भी नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, और वो थोड़ा बहुत फायदा उसका मुझे भी होगा कि मैं अपने जो भी मेरी शॉर्ट ट्रिक्स हैं या जो भी मेरा कॉम्पिटिशन का जो मटेरियल है जो मैंने प्रिपेयर किया था उससे गो थ्रू होता रहूंगा। तो नॉलेज शार्प रहनी चाहिए आपकी। अगर आप थोड़े दिन प्रैक्टिस बंद कर देते हैं तो फिर वो नॉलेज डल होने लग जाती है। तो ये चैनल उसी पर्पज से है कि आपकी और मेरी दोनों की नॉलेज जो है वो इम्प्रूव होती रहे। चलिए आज के लिए यहीं वीडियो को रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।